बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं भी घर के बाहर खड़ा हूं और जस्ट मेरे पीछे इधर तालाब है। यहाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा तालाब है, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, और इसको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए पहले आपको तालाब दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा है भाई। तो भाई ये देखो, तालाब वहाँ से शुरू होता है और वहाँ पर ख़त्म होता है भाई। ये बरसात में काफ़ी भर जाता है, लेकिन इस बार ज़्यादा पानी नहीं पड़ा है तो फिर ज़्यादा भरा नहीं है। तो भाई अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये मेरे घर के सामने ही है और वो रहा पूरा, वहाँ पे रोज़ सुबह सुबह सनराइज होता है, तो कभी आपको सनराइज भी दिखाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा जल मीनार है, यानी कि पानी टंकी है, काफ़ी पुराना है भाई, बहुत ही पुराना, लगभग 100 साल से ऊपर होगा। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा बैक कैमरा से। तो भाई ये रहा सामने, ये है पानी टंकी, काफ़ी पुराना है, इसमें अब पानी वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही ये खड़ा है। गिरेगा तो नहीं भाई, देखो कब गिरता है, बहुत टाइम हो चुका है, गिरा नहीं है अभी तक। और दूसरी इधर खेत है जो कि ऐसे ही खाली है, और अभी हम आगे जा रहे हैं। दोस्तों अब आगे जाके मैं आपको कुछ और नया सीन दिखाता हूँ, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अभी तक हम रास्ते में ही जा रहे हैं, तो चलते रहिए थोड़ा एंजॉय करते हुए। आज मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम तो आपकी शाम हो चुका है, इसीलिए टाइम कितना हुआ, 5 बजे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए ITI कॉलेज के पास, जो कि मेरे गांव में, लगभग गांव में ही है। और यहां पर पहले एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड, हम लोग वहां पर आते थे खेलने के लिए सुबह सुबह जब छोटे थे। तो फिर हम पहला साइकिल चलाना यहीं पे सीखे हैं फर्स्ट टाइम, और बाइक भी फर्स्ट टाइम यहीं पर चलाए थे यही ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड गवर्नमेंट ले लिया और उसके बाद यहाँ पर ITI कॉलेज बना दिया। और ये ITI कॉलेज में लगभग 3-4 साल कुछ बच्चे पढ़े, उसके बाद अब सब बच्चे यहाँ से निकल गए, फिर जैसे यहाँ पे अभी कोई नहीं पढ़ता है, बस ऐसे ही पढ़ा हुआ ITI गवर्नमेंट कॉलेज। और चलिए देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ पास से। ये रहा दोस्तों ITI कॉलेज, जो कि इसमें कई दिनों से कोई भी बच्चा नहीं पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा इस कॉलेज का मेन गेट, और इसके पीछे का हालात तो अपने आँख से देख ही पा रहे होंगे, मैंने आपको बैक कैमरा से भी दिखाया, और मैं एक दो क्लिप और जूम कर निकाल लूँगा। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको दिखाया ITI कॉलेज, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों अब जा रहे दूसरे जगह पर, जहाँ पर ये आपको एक टूटा हुआ घर दिखाते हैं, वह घर बहुत ही पुराना है और काफ़ी डरावना है यार, वहाँ पर रातों को नहीं जाता है, और वहाँ से रास्ता निकलता है जिससे हम लोग पास होते हैं बार बार, लेकिन वो घर बहुत ही डेंजर है, जाके देखना चाहिए एक बार, नहीं तो आपको दिखाना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देर की इस बात का, चलो इधर चलो सब कट वाला घर वो नहीं, यहाँ जो सो। और दोस्तों आपको तो ये रोड के बारे में पता ही है, अगर आपका भी पेट निकल रहा है, ज़्यादा मोटा हो रहे हैं, तो आके यहाँ कम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। सुबह सुबह तो भाई बहुत ही फ्रेश होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से आइए, दौड़िए,
एक्सरसाइज कीजिए और आराम से ये घर 2 महीने कीजिए, कम हो जाएगा। ब्लॉगर बन गया डॉक्टर ब्लॉगर बन गया डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं है यार। दोस्तों जैसे क्या है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जिस रोड में चल रहा हूँ यह रोड लगभग कई सालों से नहीं बना है। और भाई जब ये रोड ख़राब था ना तब लगभग मैं इसमें कम से कम 3 बार गिरते गिरते बचा हूँ बाइक से। 3 बार मेरा बाइक फिसला और मैं गिरते गिरते बचा। फिर भी दोस्तों ये रोड अभी तक बना नहीं है, सिर्फ बजरी गिट्टी वगैरह बिछा के छोड़ दिया गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रखा भी है, अभी तक पूरा माल पड़ा हुआ ही है, बिछाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, टाइम बहुत है, गवर्नमेंट के पास रोड तो बन ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों आगे चलते हैं, जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे लगभग पहुँच ही गए। वह घर जो कि बहुत ही पुराना है, लगभग 100 साल हो गया उसका, और देखते हैं अभी किस हालत में है। मैं तो उसमें बहुत दिन पहले ही गया था, लेकिन फिलहाल अभी तो उसका हालत बहुत बेकार होगा। तो वहाँ जाने के बाद ही पता चला है कि क्या सिचुएशन है घर का। फिलहाल दोस्तों आइए चलते हैं आपको वहाँ पर ले कर। तो देखिए फाइनली दोस्तों हम उस टूटे हुए घर के पास पहुंच चुके हैं जो कि झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर अंदर पानी भरा होगा तो हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको बाहर से दिखा देंगे। ये देखिए दोस्तों ये रहा घर। और दोस्तों इस तरह का घर यहाँ पे बहुत सारा है, तो आइए पहले अंदर चलते हैं, देखते हैं थोड़ा। पूरा अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों, हम यहीं तक आ सकते हैं क्योंकि आगे धसा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए वहाँ पे गड्ढा हुआ बरसात की वजह से, और यही रहा घर, टूटा हुआ घर। दोस्तों देखा आपने अंदर, तो बारिश की वजह से सारा मिट्टी ढह गया है, तो वहाँ पे जाना सही नहीं होगा, तो हम बाहर से ही वीडियो निकाल लिए। दोस्तों अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, यह रास्ता के दोनों साइड बहुत ही बड़ा बड़ा खदान है, जैसे कि आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये रहा मेरे लेफ्ट साइड में, यानी कि रोड के लेफ्ट साइड का खदान है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। नज़दीक नहीं जाऊँगा, ये रहा ये एक साइड का रहा, और दोस्तों दूसरा साइड का, चलिए ये साइड जैसे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आपको इस साइड का खदान दिखाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। यार यहाँ पे लगभग 3 से 4 खदान बगल में ही है जो कि बंद पड़ा हुआ है, लगभग 300-400-500 फीट गहरा है, उतना पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे कि उसमें देखा आपने, उसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी दिखाता हूँ इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये रहा दोस्तों, काफ़ी गहरा है, और देखा आपने। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं आपको, नीचे जाना मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं खतरे से कम नहीं होगा, तो मैं इसे आपको दिखाऊंगा। थोड़ा और आगे जाते हैं, सारा पानी इधर से ही बह के जाता है, इसे देख पा रहे होंगे वीडियो में, काफी भरा हुआ यार। तो ये रहा पूरा, ये भरा हुआ खदान है, पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं ताकि जल्दी से घर पहुँच जाए, शाम भी हो रहा है। यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा इको करता है, देखते हैं चिल्ला के एक बार हेलो इको किया, अगर सुनाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, चलो आवाज़ नहीं किया, उसकी बम था। पाकिस्तान में ऐसा ही बम फोड़ता, पता है पाकिस्तान में ऐसा ही बम फोड़ता है, पटक दिए उड़वे नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस ना। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के कोई अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो काफ़ी शाम हो गया, आप देख सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।